सब्सक्राइब कीजिए अपने चैनल टेक राज को और बेल आइकन को दबाकर ऑल प्रेस कर दीजिए लेटेस्ट टेक वीडियोज सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, आज मैं आपके सामने अनबॉक्सिंग करूंगा रियल मी के इस ब्लूटूथ हेडफोन की। दोस्तों इसे मैंने अमेज़न सेल से मंगाया है। दोस्तों आज मैं आपके सामने इसकी अनबॉक्सिंग करूंगा और साथ में दोस्तों आपको बताऊंगा कि इस हेडफोन में हमें क्या कुछ देखने को मिलता है, क्या है इसके खास फीचर, और दोस्तों इस सेल में मैंने अमेज़न सेल से दोस्तों मैंने इसे कितनी रेट में मंगाया है, कितना डिस्काउंट दोस्तों मुझे इसके साथ मिला, और दोस्तों साथ में आपको यही बताने वाला हूँ कि कैसे आप इसका पता लगा सकते हो कि आपने जो हेडफोन मंगाया है वो ओरिजिनल है या फिर लोकल है। क्योंकि दोस्तों क्या होता है कि जो हम जो भी प्रोडक्ट ऑनलाइन मंगाते हैं उसमें दोस्तों काफ़ी धोखाधड़ी हो जाती है, जिससे हमारे पास जो भी आइटम आता है वो कभी कभी लोकल भी आ जाता है। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि आपने जो ईयरफोन मंगाया है वो वास्तव में ओरिजिनल है या फिर लोकल है। दोस्तों वीडियो पूरा देखें, बिल्कुल अंत तक बने रहें, जिससे आपको समझ में आ सके कि आपको रियलमी का ये ब्लूटूथ हेडफोन खरीदना चाहिए या फिर नहीं खरीदना चाहिए, और इसकी जो रियल प्राइस है दोस्तों वो कितनी है, और सेल में दोस्तों मैंने इसे कितना खरीदा, और साथ में दोस्तों आपको मैं यही बताऊंगा कि अगर आप कोई हेडफोन खरीदना चाहते हो तो आप रियलमी का ही क्यों खरीदो। मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, बस आप वीडियो पूरा देखें जिससे आपको अच्छे समझ में आ सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन दोस्तों उससे पहले आप शुरू रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पहली बार आए हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन दबा दें, जिससे मेरे आने वाले नई वीडियो में आपको ऐसे मिल सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों जो है इसका बॉक्स जिसे मैंने अमेज़न से मंगाया है, तो चलिए मैं आपको इसे ओपन करके दिखाता हूँ। दोस्तों ये है हमारा रियलमी बड्स वायरलेस ईयरफोन। दोस्तों ये देखिए, आप देख सकते हो इसकी ब्रांडिंग रियलमी की। आज मैं आपको इसमें सब कुछ बताऊंगा कि इसमें हमें क्या कुछ देखने मिलता है, और साथ में दोस्तों मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप कैसे पता लगा सकते हो कि ये दोस्तों ओरिजिनल है या फिर डुप्लीकेट है। दोस्तों देखिए ये कुछ इसके हाईलाइट हैं, इसमें देखिए लिखा हुआ है दोस्तों मैग्नेटिक कंट्रोल, और इसके दोस्तों जो ड्राइवर हैं वो 11.2 mm के हैं। इसमें आपको 12 घंटे का प्लेबैक मिलेगा दोस्तों, और इसके जो नेक बैंड है वो दोस्तों फ्लेक्सिबल है, और ये दोस्तों ब्लूटूथ 5.0 सपोर्ट करता है। और दोस्तों अगर आप इसे पसीने में पहनते हो फिर भी इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि इसके अंदर IPX4 का सर्टिफिकेट दिया हुआ है। तो ये दोस्तों मैं इसे ओपन करता हूँ और फिर आपको बताता हूँ। तो दोस्तों ये है हमारा रियलमी बड्स हेडफोन ब्लूटूथ हेडफोन। दोस्तों चलिए मैं इसे बाहर निकालता हूँ और आपको इसकी क्वालिटी दिखाता हूँ। तो ये हमारा रियलमी का हेडफोन ब्लूटूथ वाला, इसकी क्वालिटी दोस्तों काफ़ी अच्छी है, देख रही है, आप इसे कितनी भी फ्लेक्सिबल कर लो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, देखिए। और दोस्तों जो आप इसे मोड़ने के बाद भी अगर इसे छोड़ते हो तो जो ऑटोमेटिक दोस्तों अपनी सेप में आ जाएगा नेक बैंड जो हमारी गर्दन के हिसाब से, दोस्तों इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। इसकी दोस्तों क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, देखिए काफ़ी अच्छी क्वालिटी है। और दोस्तों जो मैग्नेटिक टाइप स्टाइल है इसमें, ये देखिए काफ़ी अच्छी इसमें ग्रिप दी हुई है, ये देखिए। दोस्तों ये जी दोस्तों पार्ट है ये प्लास्टिक का है, तो दोस्तों प्लास्टिक की वजह से ये काफ़ी ज़्यादा हल्के हैं, आपके कानों में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और दोस्तों ये जो रबड़ दी गई है इससे आपके कानों में अच्छी ग्रिप बन जाएगी, बाहर जो आसानी से नहीं निकलेंगे। दोस्तों ये काफ़ी अच्छी प्लास्टिक दी हुई है रबड़ टाइप में। दोस्तों ये जो पार्ट है जो बटन वाला जी दोस्तों मेटल का दिया हुआ है, दोस्तों काफ़ी अच्छी क्वालिटी है इसकी। अब दोस्तों और देखते हैं इस बॉक्स में हमें और क्या मिलता है। दोस्तों इसमें और कुछ नहीं है, एक जी बॉक्स लिखा हुआ है, इसमें देखते हैं क्या है। दोस्तों इसमें ये डाटा केबल दी हुई है माइक्रो USB, जिसे आप अपने मोबाइल के चार्जर में लगा के इसे आप चार्ज कर सकते हो अपने हेडफोन को। और दोस्तों इसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा जो प्लग दिए हुए हैं कान में लगाने के, इसमें कुछ छोटे हैं कुछ बड़े हैं, जिन्हें आप अपने कान के हिसाब से यूज कर सकते हो। इसमें दोस्तों एक्स्ट्रा दिए गए हैं, कुछ छोटे हैं कुछ बड़े हैं। तो चलिए दोस्तों इन सबको मैं साइड में रखता हूँ और आपको हेडफोन के बारे में बताता हूँ। दोस्तों इसमें देखिए यहाँ पर रियलमी की ब्रांडिंग दी गई है, और इसमें प्लस माइनस का ऑप्शन दिया गया है,
आप यहाँ से अपने वॉल्यूम को कंट्रोल कर सकते हो अप डाउन करके। और दोस्तों इस साइड ये देखिए, यहाँ पर रियलमी की ब्रांडिंग दी हुई है जो दोस्तों देखने में काफ़ी अच्छी लगती है। और दोस्तों इसी वाले में यहाँ पर चार्जिंग पोर्ट दिया हुआ है जिससे आप इसे चार्ज कर सकते हो। दोस्तों इस हेडफोन की सबसे खास बात यह है कि अगर आप इसे चार्ज करते हो एक घंटे समथिंग, तो दोस्तों इसमें आपको 12 घंटे तक का प्लेबैक टाइम मिल सकता है। दोस्तों इस ब्लूटूथ का सबसे खास फीचर क्या है मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों देखिए, ये जो ब्लूटूथ का जो हेडफोन है जो मेरे मोबाइल से कनेक्ट है, ये देखिए यहाँ पर कनेक्ट लगा हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पर दोस्तों ये कनेक्ट है, ये देखिए। अब दोस्तों जैसे ही ये आपस में चिपकते हैं, ये देखिए देखिए ये चिपक चुके हैं, तो दोस्तों ये यहाँ से डिसकनेक्ट हो चुका है। और जैसे दोस्तों मैं इसे रख कर दूँगा तो देखिए दोस्तों फिर से ये ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएगा, और जैसे दोस्तों फिर चिपक जाएगा तो दोस्तों देखिए ये फिर डिसकनेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों काफ़ी अच्छा तरीका है, आप अपने हेडफोन को बिना मोबाइल को उठाए इसे डिसकनेक्ट कर सकते हो। अब मैं दोस्तों आपको बताता हूँ कि आप कैसे पता लगा सकते हो कि आपने जो हेडफोन मंगाए हैं ब्लूटूथ वाले वो ओरिजिनल हैं या फिर लोकल हैं। दोस्तों जैसे ही आप अपने इसको अपने मोबाइल से कनेक्ट करोगे तो यहाँ पर दोस्तों नाम लिखा आएगा रियलमी बड्स वायरलेस, यानी दोस्तों जो आपने मंगाया है ऑनलाइन जिस नाम के जो हेडफोन आते हैं वही नाम दोस्तों आपके ब्लूटूथ में शो होगा। ऐसा नहीं है दोस्तों, आपने देखा होगा कि जब भी हम दोस्तों कोई आइटम मंगाते हैं, हम कोई भी ब्लूटूथ अपने मोबाइल से कनेक्ट करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर दोस्तों कई तरह के नाम आते हैं, जैसे ब्लूटूथ, जैसे वहाँ पर लिखा हुआ दोस्तों ब्लूटूथ, उसके बाद दोस्तों कुछ अंक के नंबर लिखे होंगे ऐसे 1, 2, 3, 4 इस टाइप से। बट दोस्तों अगर आप ने जो ब्लूटूथ दोस्तों जो ओरिजिनल मंगाए हैं तो यहाँ पर दोस्तों इस तरीके का नाम आएगा रियलमी बड्स वायरलेस। दोस्तों इस तरीके से आप इससे पता लगा सकते हो कि आपने जो आइटम मंगाया है वो वास्तव में ओरिजिनल है भी या फिर नहीं। दोस्तों इसकी जो क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी है, आप इसे किसी भी तरीके से मोड़ सकते हो, आपको इसमें बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। और दोस्तों इसकी म्यूजिक टाइम की बात करें, अगर आप इसे फुल चार्ज करके रेगुलर सुनते हो, लगातार सुनते हो, तो दोस्तों आपको इसमें 11 से 12 घंटे का बैकअप मिल सकता है, जो कि दोस्तों काफ़ी अच्छा बैकअप है, काफ़ी अच्छा टाइम है दोस्तों इसका। क्योंकि दोस्तों हमने जो भी नॉर्मल जो ईयरफोन होते हैं उसमें हमने देखा होगा कि अगर आप उसे फुल चार्ज कर लोगे तो दोस्तों 2-3 घंटे का हमें 2-3 घंटे का म्यूजिक टाइम प्लेबैक टाइम मिलता है। बट दोस्तों अगर आप इसे फुल चार्ज करने के बाद इसे यूज़ करते हो तो आपको इसमें 10 से 12 घंटे तक का प्लेबैक टाइम मिल सकता है, जो दोस्तों काफ़ी अच्छी बात है। और दोस्तों जब आप इसे कॉल से बात करोगे कॉल पर, तो दोस्तों इसकी जो बात करने की दोस्तों रेंज है वो भी दोस्तों काफ़ी अच्छी है। आप इसे अपने मोबाइल कमरे में रख के बाहर कमरे के रूम से बाहर जाके बात करोगे फिर दोस्तों इसकी जो रेंज है काफ़ी अच्छी है। और दोस्तों सबसे अच्छी बात मैं आपको बताऊँ इसकी कि अगर आप इसे अपने कान में यूज करते हो तो दोस्तों इसकी जो पकड़ है वो काफ़ी अच्छी है, आपके कान से ये बिल्कुल भी इतनी जल्दी नहीं निकलेंगे। देखिए दोस्तों आप देख सकते हो इसकी दोस्तों जो ग्रिप है वो कानों में काफ़ी अच्छी तरीके से बन जाती है, जो आपके कान से इतनी जल्दी नहीं निकलेंगे। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि आपको रियलमी के ही ये ईयरबड्स क्यों खरीदने चाहिए। दोस्तों आपने देखा होगा काफ़ी कंपनियाँ हैं जो हमें अच्छे अच्छे ईयरफोन देती हैं ब्लूटूथ वाले, जैसे दोस्तों बोट रॉकर की आती है और दोस्तों कई कंपनियाँ हैं। बट दोस्तों रियलमी एक ऐसी कंपनी है जो दोस्तों काफ़ी आइटम बनाती है। रियलमी दोस्तों अपने मोबाइल की वजह से काफ़ी फेमस है और रियलमी काफ़ी मोबाइल है दोस्तों जो काफ़ी फेमस चल रहे हैं इस टाइम पर। दोस्तों अगर आप रियलमी के ईयरफोन लेते हो और उसमें दोस्तों अगर कोई दिक्कत भी आ जाती है तो आप रियलमी के सर्विस सेंटर जाकर उसे सही करवा सकते हो। तो दोस्तों रियलमी के सर्विस सेंटर आपको हर शहर में देखने को मिल जाएंगे, आप किसी भी शहर से रहते हो आपको आपके शहर में रियलमी सर्विस सेंटर जरूर देखने को मिल जाएगा। क्योंकि दोस्तों रियलमी के जो स्मार्टफोन है वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो चुके हैं और पूरे इंडिया में काफ़ी ज़्यादा बिक रहे हैं। दोस्तों अगर आप रियलमी का कोई भी आइटम खरीदते हो तो आपको सर्विस सेंटर में उसकी दोस्तों वारंटी अच्छी से मिल जाएगी। अगर दोस्तों आप किसी और कंपनी का खरीदते हो तो आपको दोस्तों ऑनलाइन उसकी सर्विस मिलेगी, आपको ऑनलाइन कॉल करना पड़ेगा, कस्टमर केयर से बात करनी पड़ेगी, तब जाके दोस्तों आपको सर्विस मिलेगी। और दोस्तों में कितना टाइम लगेगा ये भी पता नहीं है। बट दोस्तों अगर आप रियलमी का खरीदते हो तो रियलमी का सर्विस सेंटर आपके शहर में ही अवेलेबल मिल जाएगा, जिससे दोस्तों आपको काफ़ी आसानी होगी अपने किसी भी आइटम को अच्छे से उसकी सर्विस कराने में। अब दोस्तों बात करते हैं इस हेडफोन की प्राइस की। दोस्तों इसकी जो वैसे प्राइस है वो दोस्तों 1600-1700 रुपये है, बट दोस्तों ये मेन सेल पर दोस्तों ये 1400-1500 रुपये में मिल रहा था, 1500 रुपये की समथिंग। बट दोस्तों अभी जो ऑफर चल रहा था रुपये कार्ड के ऊपर
कि अगर आप इसका पेमेंट रुपए कार्ड से करते हो तो उसके ऊपर दोस्तों 150 रुपये का डिस्काउंट और मिल रहा था। दोस्तों मैंने इसे 150 रुपये में डिस्काउंट लेकर खरीदा है, जो कि दोस्तों मुझे 1350 रुपये का पड़ा है, जो दोस्तों मैं कहूँगा 1350 रुपये में काफ़ी अच्छे हेडफोन है। और दोस्तों इसकी जो ड्राइवर हैं वो काफ़ी बड़े हैं, 11.2 mm के इसके ड्राइवर है दोस्तों, जो कि दोस्तों आपको काफ़ी अच्छा जो बेस होता है वो काफ़ी अच्छा सुनाई देगा आपको म्यूजिक सुनते टाइम, जो दोस्तों इंडियन लोगों की रिक्वायरमेंट होती है कि उसमें बेस काफ़ी ज़्यादा हो, तो इसमें दोस्तों बेस आपको काफ़ी भर भर के मिलेगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ चुका होगा कि आपको ये ईयरबड खरीदने चाहिए या नहीं खरीदने चाहिए, और दोस्तों आप इसे कितनी कम कीमत में खरीद सकते हो, जब भी आपको समझ में आ चुका होगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो चली होगी, अगर वीडियो चली हो तो इस लाइक को सब्सक्राइब करें, और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियो आपके लिए हमेशा लेकर आता रहता हूँ। तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।